Hello everyone, I hope you all are doing well and everybody is fine at their home and everybody is doing so great. Today I came up with aloo gobi ki badi hi shandar recipe. Hai to ye ek bahut hi simple vegetable, lekin isko banane ke liye kaun se tricks chahiye hote hain, wo aaj discuss karenge. रेसिपी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे गोभी का एक फूल ले लिया है, साथ में 3 छोटे साइज़ के पोटैटो ले लिए हैं, इनको कट कर लिया है. और मेरा वेजिटेबल को वॉश करने का यही तरीका है कि मैं इनको पानी में डिप कर देती हूँ ताकि इनमें से कोई भी जर्म्स या फिर सैंड वगैरह निकल जाए. यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1/4 कप ऑयल ऐड किया है. अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ अनियन, जिसे मैंने कट कर लिया है, कैसे भी कट कर लें, जूलियन कट कर लें. अनियन ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूंगी, इसके गोल्डन ब्राउन होने का वेट करूंगी. और यहाँ पे हमारा अनियन गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है. इस पॉइंट पे आकर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट. ये आपने आलू गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है? तो नॉर्मली अगर आप 1 टेबलस्पून ऐड करते हैं तो इसमें आपका 2 टेबलस्पून जाएगा. और जिंजर थोड़ा ज़्यादा ऐड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है. तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टोमेटो ले लिया है, उसको भी कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है. और इसको अच्छे से सौते करने के बाद मैं इसमें डालूँगी सारे के सारे कॉन्डिमेंट्स. कॉन्डिमेंट्स में मैं कौन से कॉन्डिमेंट्स यूज़ कर रही हूँ चले देख लेते हैं. 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है, और साथ में जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का, और साथ में 1/2 टीस्पून ले लिया है मैंने रेड चिली फ्लेक्स का, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें टर्मेरिक पाउडर का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर सीड पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड पाउडर. इन सारे कॉन्डिमेंट्स को ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से सौते कर लूँगी. और 5 मिनट तक सौते करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 घूंट पानी, और इस पे लिड लगा दूँगी और 2 मिनट्स तक इसे कवर रखूँगी, जिससे जो टोमेटो है वो सॉफ्ट हो जाएगा. और जब टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा देन हम इसे अगेन सौते करेंगे. मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे मैंने 7 to 8 मिनट तक सौते किया है अगेन. और इस पॉइंट पे आके हम इसमें कटी हुई आलू और गोभी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे. यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई, और इस पॉइंट पे आके आपने इसको कवर नहीं करना है. यही मेन इसका ट्रिक है, जैसे ही आपने आलू गोभी को डालना है आपने इसको कवर नहीं करना है. कवर करने से क्या होगा, अब हमने इसे वॉश किए बिना तो हम बना नहीं सकते. अभी हमने इसको वॉश किया, जब आप इसे कवर कर देंगे तो स्टीम इसके अंदर रहेगी, जिससे ये 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगी और वो बहुत पेस्टी पेस्टी सी बन जाएगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. जब आप इसे रोस्ट कर लेंगे उसके बाद, लाइक आपने 10 मिनट्स इसको रोस्ट किया हाई फ्लेम पे, अब फ्लेम थोड़ा मीडियम करके ना आपने इसको लाइट सा कवर कर देना है, कंप्लीट लिड को बंद नहीं करना, ठीक है? और आपने इसको ऐसे ही कुक करना है, और बहुत लो फ्लेम पे कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और कवर नहीं करना. रोस्ट होने के बाद जब आपको लगे कि अब इसमें पानी बहुत कम रह गया है या इसमें पानी नहीं है अब, तो आपने इस तब जाकर, मतलब जब ये ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी हो, तो आपने उस पॉइंट पे आके इसको कवर कर देना है, ठीक है? एक बार अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद आप इसे 15 मिनट्स के लिए कवर करेंगे तो ये कभी भी पेस्ट नहीं बनेगी, ठीक है? मैंने इसको कवर कर दिया था 15 मिनट्स के लिए, और अब ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी है और पेस्ट भी नहीं बनी, इंटैक्ट है. तो इसकी लुक भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है. तो अब इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड पाउडर डालती हूँ. आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जितनी भी स्पाइसेस आप लाइक करते हैं. और यहाँ पे मैं इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ जो है गार्निश करूँगी. और आप इस तरीके से बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जब आपने इसको सेम ऐसे बनाया तो आपकी कितनी तारीफ़ें हुई हैं घर में, क्योंकि तारीफ़ें तो बहुत होंगी. अभी यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया. जो आलू गोभी होती है उसे कभी भी लाइट स्पाइसेस में नहीं बनाते, ये इसका कोई टेस्ट ही नहीं आता. स्पाइसेस थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इसको कवर करके नहीं बनाते. ये 2 इसकी सिंपल ट्रिक्स हैं, और ये आप देख सकते हैं इसके लुक बिल्कुल आपके सामने है. और ये इस कदर डिलीशियस थी कि मेरी तो बहुत तारीफ़ें हुई हैं घर में,
तो मैं चाहती हूँ आप इस रेसिपी को फॉलो करें और बहुत सी तारीफ़ें करवा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।